नमस्कार दोस्तों, हम लोग अभी निकले हैं हॉर्नबिल पार्क जाने के लिए। होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। हम लोग आज घूमेंगे, आज वीकेंड है, संडे का दिन है, घूमेंगे, आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। और आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं किसके साइड, हम कल से घूमने जा रहे हैं। मैं रास्ता, मतलब रास्ता नहीं, जगह का नाम भूल गया। आप लोग हंसिएगा मत, आप व्लॉग देखिए। हम लोग कॉमेडी कर रहे हैं। हाँ, मेरी कॉमेडी है, आप चुप क्यों है हमें पता नहीं है। मेन कॉमेडियन आज, हेलो कॉमेडियन बाबू, क्या कर रहे हैं? कॉमेडियन दो, वो तैयार हो रहे हैं। हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, ये बोल रहा था। आप लोग ब्लॉग देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब तक हम हाँ कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, तब तक हम आपको लेकर जाते हैं। দুই দিন পরে আসে।
এখন ছাইড়া দিতে পারবা, কোনো অসুবিধা নেই। ছেড়ে खाना खाने चलिए।
दोस्तों, आप अगर यहाँ घूमने आए तो आप अपना खाने पीने का कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ एक कैफेटेरिया है जो कि पार्क के अंदर में ही है। और ये जो कैफेटेरिया है वो कुछ महिलाएं द्वारा चलाई जाती हैं, खाना भी महिलाएं बनाते हैं। और मुझे ये जानने को मिला कि इनका यहाँ जो खाना बनता है, जो साग सब्जी यूज़ होता है, वो इनके खुद के खेत का है। तो आप अगर आएँ तो पहला अपना ऑर्डर दे दीजिए, वो आपका खाना रेडी करके रखेंगे। तब तक आप थोड़ा घूम लीजिए, घूम घूम के आके एंजॉय करके आप अपना खाना एंजॉय कीजिए। हमने भी अपना ऑर्डर पहले दे दिया था और अपना खाना आधा घंटा में आ गया। हम थोड़ा घूम लिए और फिर आके खाना एंजॉय किया। इनके यहाँ जो खाने का रेट है दोस्तों, वो भी बहुत जेन्युइन है। हमने चिकन थाली मंगवाया था जो कि हमें 280 रुपये पर प्लेट का पड़ा, और इसमें जो हमने एग बॉयल है वो ऐड ऑन कर लिया जो कि हमें 10 रुपये पर पीस पड़ा। खाना बहुत ही एंजॉयबल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा সোনাই কিরকম খানা বহুত পুষ্টিকর বহুত ঘর কাজ খানা খানা ওনা খাইয়ে আরামসে ঘুমিয়ে খুব এনজয় কী।
हमने भी बहुत एंजॉय किया दोस्तों, ये डे स्पेंड करने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। आप अगर यहाँ सुबह भी आ जाएं, दिन भर अपना समय बिताइए, खाना खाइए, एंजॉय कीजिए। बच्चों के लिए पार्क भी है जहाँ बच्चे खेल भी सकते हैं, उसके बाद आराम से यहाँ से निकल जाइए। दोस्तों हम अभी यहाँ से निकल गए हैं, देखिए क्या शानदार नज़ारा है, व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। हमें आगे एक शिव जी का मंदिर मिलेगा, हम सोच रहे हैं कि वहाँ रुके, शिव जी के दर्शन करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें और फिर अपने घर के लिए निकल चलें।
We'll be right back.